अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप अपने YouTube चैनल पर न तो कस्टमाइज थंबनेल लगा सकते हैं और न ही आप 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल को आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे www.youtube.com। टाइप करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप जिस चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ से उस चैनल को ओपन कर लेंगे। अगर आपका वही चैनल ओपन है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका वो चैनल ओपन नहीं है और आपके मोबाइल फ़ोन में कई जीमेल आईडी लॉगिन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं आप उस चैनल को सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे इसी चैनल को वेरीफाई करना है जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो हम इसको यहाँ से चेंज नहीं करेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3 डॉट की लाइन मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो YouTube की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3 डॉट की लाइन मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उसी टैब पर आ गए हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट फीचर है वो इनेबल है, लेकिन जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का है वो अभी एलिजिबल केवल लिखा हुआ है, मतलब इनेबल नहीं है। तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब आपको ब्राउज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर मिल जाएगा कि आप अपने वेरिफिकेशन को 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने वेरिफिकेशन कोड को किस माध्यम से लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉल के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे टेक्स्ट के माध्यम से ही लेना है तो मैं फर्स्ट वाले को ही सेलेक्ट रहने देता हूं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट योर कंट्री का, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया को ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आप अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड जाएगा और आपको उस कोड को यहाँ पर इंटर करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं और गेट कोड पर क्लिक भी कर लेते हैं। जैसे ही आप गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर YouTube की तरफ से एक कोड सेंड किया जाएगा। कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तो चलिए हम कोड को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन नंबर वेरीफाइड, कांग्रेचुलेसन योर फोन नंबर इज नाउ वेरीफाइड। मतलब आपके यूट्यूब चैनल में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है और अब आप अपने चैनल पर कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हैं और 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हैं। तो गाइज, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड की वीडियो अपलोड होती रहती है। तो गाइज, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।